जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। और नशे की दवाइयों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, जया बच्चन के बयान के बाद पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में आग सी लगी हुई है। हर कोई अपनी अपने तरह से उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई उन्हें लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आम्रपाली दुबे दे रही है रवि किशन का साथ? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक और खास बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी हाँ, जब से सांसद के मानसू क्षेत्र में जया बच्चन ने अपना बयान दिया है, तभी से भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे एक्टर एक्ट्रेस मानो उन पर आग बबूले हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने सांसद के मानसून सत्र में रवि किशन को टारगेट करते हुए ये बात कही थी कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, तभी से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उनसे नाराज हो गई है और हर कोई अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते जा रहे हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने इनके इस बात के लिए मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। जी हाँ, हाल ही में भोजपुरी के एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने उन्हें करारा जवाब दी थी और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने ट्वीट के जरिए भी उन्हें लताड़ा है। लेकिन इसी बीच आम्रपाली दुबे के फैन पेज से निकलकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब आम्रपाली दुबे ने भी रवि किशन का साथ देते हुए कहा है कि ऐसा रवि किशन जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है जिससे किसी को मिर्ची लगे। तो फिर कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि अब आम्रपाली दुबे भी जया बच्चन को अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जैसे ही उनका यह ट्वीट सामने आया, वैसे ही लोगों ने उन्हें रीट्वीट करना शुरू कर दिया है। इस ट्वीट के बाद भोजपुरी में मानो आग सी लग गई है और हर कोई उनके समर्थन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जया बच्चन को काफी खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए आम्रपाली दुबे की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल खबरें सामने नहीं आई है। वेल, क्या राय है इस ट्वीट के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।